पुद। नमस्कार दोस्तों झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों पिछले कल गोड्डा ज़िला में एग्जामिनेशन थी गोड्डा चौकीदार भर्ती का और एग्जामिनेशन पूरी तरह सम्पन्न हो चुकी है और आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं गोड्डा जिले के कुल पचास प्रश्न किस टाइप से पूछे गए थे ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिएगा साथ ही जो अन्य जिले के अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है नौ जिले का तो दोस्तों दुर्गा पूजा बाद होगा और आप लोगों को दोस्तों इस प्रश्न से सीख मिलेगी कि आपके ज़िले में किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे हम लोग तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी बातों को एक मिनट ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों कल जो एग्जामिनेशन पूरी तरह जो संपन्न हो चुकी है उन्हीं में दोस्तों कुछ होनार अभ्यर्थी ने हमें आज सुबह को भेजा है दोस्तों कि सर इस टाइप से सवाल पूछे गए थे और ये ये ऑप्शन भी था तो दोस्तों उन्हीं के अकॉर्डिंग देखते हुए हमने खुद अपने टाइपिंग खुद से दोस्तों मैं किया कि इस टाइप से प्रश्न आए हैं और आप लोग गोड्डा जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो मैच कर लीजिएगा क्या इस टाइप से सवाल पूछे गए थे तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक दोस्तों ये हमने तैयार किया है क्योंकि प्रश्न जो था क्वेश्चन पेपर जो था दोस्तों वो बाहर लेगने की अनुमति नहीं थी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी यानी क्वेश्चन पेपर आप लोगों का जमा ले ले रहा था तो उन्हीं में एक होनार अभ्यर्थी थे एक दो अभ्यर्थी ने हमें मैसेज किया कि ये सर ये ये सवाल आए हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने प्रश्न तैयार किया हूं और टाइपिंग से तैयार किया हूं कंप्यूटर से ठीक है डिजिटल प्रश्न है एच है दोस्तों ज़ूम करके देख सकते हैं कुछ भी नहीं फटेगा तो क्या देखिए इस टाइप से सवाल आए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है तो चलिए झारखंड में कुल कितने जिले हैं कल का गोड्डा जिला में ये प्रश्न आया हुआ था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में कुल 24 जिले हैं जब झारखंड का दोस्तों बना था 15 नवंबर दो हजार ईस्वी को तो उस समय 18 जिले थे बाद में दोस्तों नौ निर्मित छः जिला बनाया गया ठीक है चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस टाइप से भी दोस्तों सवाल पूछे गए थे नाबार्ड का पूरा नाम क्या है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है फुल नेम पूछा गया था दोस्तों नाबार्ड का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ये कल गोड्डा जिला के एग्जामिनेशन में पूछा गया था जो गोड्डा जिले के अभ्यर्थी हैं दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा अगर सी मारे हैं तो नहीं सी नहीं हो सके ये आगे पीछे हो अगर ये आप मारे हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो ये प्रश्न आपका सही है गोड्डा जिले में दोस्तों कितने अनुमंडल हैं गोड्डा जिले में दोस्तों दो अनुमंडल है गोड्डा जिले में दो अनुमंडल है और ये हमारे प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों आप लोग को कराया था ठीक है तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दो चलिए हम लोग चलते अगले प्रश्न की ओर गोड्डा और महागामा हो जाएगा गोड्डा और महागामा हो जाएगा दो अनुमंडल में चलिए झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है झारखंड की सबसे बड़ी नदी दोस्तों आपका दामोदर नदी हो जाएगा दामोदर नदी हो जाएगा ठीक है चलिए दुमका में मसानझोड़ बांध किस नदी पर बना है दुमका में मसांझोड़ बांध किस नदी पर बना है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका मयूराक्षी नदी मयूराक्षी नदी और ये कनाडा के विदेश मंत्री बनाया था दोस्तों उसका नाम था पियरी 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 नाम थे ठीक है कनाडा के तज पे ये बनाया गया था चलिए द, दो, दो ग्यारह जनगणना के अनुसार दोस्तों गोड्डा जिला का जनसंख्या घनत्व तो कितना है तो गोड्डा जिले का दोस्तों जनसंख्या जो घनत्व तो है वह हो जाएगा आपका 580 वर्ग किलोमीटर 580 वर्ग किलोमीटर तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों आप लोग डील लगा सकते हैं ठीक है चलिए इसके अकॉर्डिंग भी ही है चलिए इनमें से दोस्तों कौन सी पीबीटीजी ट्राइब गोड्डा जिला में रहते हैं ठीक है गोड्डा जिला में दोस्तों कौन सा पहाड़िया जनजाति रहती है तो यह होगा माल पहाड़िया माल पहाड़िया चलिए और एक गणित का सवाल था कि एक कार तीन घंटे में इतना किलोमीटर चलती है यानी पचपन किलोमीटर घंटा चलती है तो चार सौ चालीस घंटे में दोस्तों कितने देर में पूरा कर लेगा आठ घंटे में हो जाएगा पूरा अगर आप पचपन से भाग देंगे एक सौ पैंसठ को अगर दोस्तों तीन से भाग देंगे तो वो हो जाएगा पचपन ठीक है फिर दोस्तों चार सौ चालीस को रख के आप पचपन से भाग दीजिएगा तो वो हो जाएगा आठ घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चलिए झारखंड राज्य स्थापना दिवस के किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्मतिथि था पंद्रह नवंबर को दोस्तों वो जन्मे थे अठारह सौ पचहत्तर को पंद्रह नवंबर अठारह सौ पचहत्तर को जन्मे थे और नौ जून उन्नीस सौ मर गए थे तो इसका रा, राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा चलिए अगले प्रश्न की ओर झारखंड का राज्य के पशु दोस्तों क्या है तो ये हो जाएगा हाथी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर और।, और आप लोगों को एक बात दोस्तों सूचित करना चाहता हूँ एक आ, 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 डिटेल्स में नोटिस है देखिए झारखंड में दोस्तों झारखंड में राज्य में कुल चौबीस जिले हैं आप लोगों को पता होगा और कल गोड्डा जिला का पंद्रह एग्जामिनेशन संपन्न हो चुका है तो जिनमें अभी तक जो दोस्तों पंद्रह जिला का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुकी है तो राज्य में बचे हैं दोस्तों नौ जिला ठीक है नौ जिला तो इस जो नौ जिला से दोस्तों अभ्यर्थी है देखिए जैसे नौ जिला क्या क्या बाकी है धनबाद हो गया आपका रांची हो गया पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर हो गया देवघर जिला हो गया साहेबगंज हो गया आजारीबाग हो गया दुमका जामताड़ा और सरायकेला तो इस नौ जिले से हैं दोस्तों आप लोग तो हमारी टीम के द्वारा अलग अलग दस मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है हर जिले का अलग अलग दस मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया गया है दोस्तों तो आप चाहते हैं कि आपका सलेक्शन हो सरकारी जॉब लगे और ये दोस्तों चौकीदार की भर्ती सरकारी जॉब है परमानेंट जॉब है और इनकी अच्छी खासी दोस्तों सैलरी अट्ठासी हजार अट्ठासी अट्ठाईस हज़ार से दोस्तों इनका स्टार्टिंग वेतन है तीन साल अगर आप ड्यूटी दे देंगे तो इनका वेतन तैतीस से पैंतीस हजार हो जाएगा और ये जिंदगी में बार बार आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा चौकीदार बनेगा चूंकि दस से पंद्रह वर्षों बाद ये भर्ती आती है और इस बार भी दस से पंद्रह वर्ष बाद ही दोस्तों ये भर्ती आई है और चाहते हैं कि आपका सरकारी जॉब लगे और ये मौका गोल्डन मौका है आप लोगों को तो हमारे टीम के द्वारा दोस्तों दस मोडर फैक्ट्री सेट दिया जा रहा है बहुत ही कम कॉस्ट पे दे रहा है दोस्तों समझिएगा प्रत्येक मॉडल में पचास प्रश्न दस मॉडल में पाँच सौ प्रश्न दोस्तों मिलेंगे और प्रत्येक मॉडल में आपका झारखंड जीके का प्रश्न रहेगा और आपका जिला संबंधित प्रश्न रहेगा जिस भी आप जिले से हैं तो दोस्तों लेना कैसे है देखिए मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दूंगा क्या दूंगा पीडीएफ फाइल दूंगा एक रुपया का पेमेंट लग रहा है कितना का पेमेंट लग रहा है दोस्तों एक रुपया का पेमेंट लग रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ़ोन पे गूगल पे भी नंबर हमारा यही है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा कॉल करना सख्त मना है कॉल करना सख्त मना है कॉल कीजिएगा कॉल काट देंगे जो नौ जिले के अभ्यर्थी है जिनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है तो नौ जिले का दोस्तों दस मॉडल प्रैक्टिस सेट बना दिया गया मैं फिर से बता दे रहा हूँ रांची धनबाद पूर्वी सिंहभूम ठीक है देवघर साहेबगंज हजारीबाग दुमका जामताड़ा सरायकेला खरसावा इस नौ जिले से हैं तो दोस्तों दस मॉडल प्रैक्टिस सेट को जरूर पढ़िए जरूर से जरूर पढ़िए और गोड्डा ज़िला में भी दोस्तों हमारा जो अभ्यर्थी है देखिए एक मैसेज किए हैं सुबह को देखिए ये गोड्डा ज़िला का प्रैक्टिस सेट हमसे लिए थे दो अक्टूबर के डेट पे लिए थे दोस्तों ठीक है और इनका एग्जामिनेशन आठ अक्टूबर था देखिए आज ये सुबह मैसेज किए थे कि गोड्डा प्रैक्टिस सेट मैं इनको सेल किया हूँ हैं थैंक्स सर हमारे मेटेरियल से तीस से पैंतीस सवाल था देखिए ये एक सौभाग्य की बात है हमारी कि हर जिले में अच्छा खासा हमारा प्रश्न लड़ रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ देखिए ये एक नंबर वाले कह रहे हैं इस पर आप मैसेज भी इसको कॉल मत कीजिएगा ठीक है देखिए ये नंबर वाले ये लिखे हैं कि तीस से पैंतीस सवाल था यानी हमारे स्टडी मटेरियल से जो हम मैंने इस सबको प्रोवाइड किया था दस मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी तीस से पैंतीस सवाल हमारे ही स्टडी मटेरियल से आए थे तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है और बहुत सारे छात्रों का भी रिव्यू आया है किसी का ठीक है, है? तो कि कि है? हाँ, कि है, है तो आप चाहते हैं चूंकि दोस्तों दस मॉडल प्रैक्टिस सेट को पढ़कर जाना है और आपके जिले में भी तीस पैंतीस चालीस सवाल आएंगे तो जरूर से जरूर मॉडल सेट को लीजिएगा इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा एक सौ का पेमेंट लग रहा है आपको व्हाट्सएप देंगे तो चलिए क्लास इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था राष्ट्र संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 26 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी जीएमटी का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया था जीएमटी का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन इन विच मिन टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन इन विच मिन टाइम ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुछ कुछ दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था जैसे नबार्ड जी एम का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया था वर्ल्ड वाइड वेव इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है लोध जलप्रपात किस जिले में है तो दोस्तों ये लोध जलप्रपात आपका लातिहार जिला में है ठीक है ये भी सवाल गोटा जिले में पूछा गया था संथाल पंगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है संथाल पंगना प्रमंडल का मुख्यालय दोस्तों हमारा दुमका जिला है संथाल पंगना का प्रमंडल का मुख्यालय दुमका जिला हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर झारखंड का राजकीय खेल क्या है झारखंड का राजकीय खेल क्या है तो दोस्तों झारखंड का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा और हॉकी जो है दोस्तों सिमडेगा का नर्सरी कहा गया है सिमडेगा का दोस्तों हॉकी का दोस्तों नर्सरी कहा गया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थ खिलाड़ी वहाँ से निकलते हैं सिमडेगा से ठीक है निकी प्रधान बड़े बड़े खिलाड़ी सब सिमडेगा से निकल कर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों हम लोगों का झारखंड नाम का रोशन करते हैं ठीक है क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा जिला दोस्तों आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला हो जाएगा दोस्तों चूँकि दोस्तों झारखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पूछा गया है तो ये हो जाएगा चौबीसों जिला में सबसे बड़ा जिला है आपका पश्चिमी सिंहभू पश्चिमी सिंभू और इसका मुख्यालय दोस्तों है चायबासा अगर इसका पूछ देगा मुख्यालय कहाँ है चायबासा है ठीक है चलिए झार झारखंड के गोड्डा जिला में गणतंत्र दिवस पर लगने वाला मेला किस वर्ष राजकीय मेला घोषित किया गया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हजार तेईस इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 एक रीजनिंग का दोस्तों सवाल पूछा गया था दो तीन आठ सताइस इसका आगे क्या होगा दोस्तों इक्यासी होगा इसका आगे क्या होगा इक्यासी होगा राज्य की जनजाति हिजला मेला झारखंड के किस जिले में लगता है दुमका वाले ध्यान देंगे देखिए गोड्डा जिला में एग्जामिनेशन हो रहा है तो दुमका का प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये दोस्तों दुमका में झारखंड का हिजला मेला लगता है और ये सात दिनों तक मेला लगता है और ये दोस्तों ठंडी के मौसम में लगता है फरवरी माह में और ये हिजला मेला दोस्तों अठारह से लगता है मयूराक्षी नदी के तट पे लगता है किस नदी के किनारे हिजला मेला लगता है मयूराक्षी नदी के तट पे और अट्ठारह के द्वारा दोस्तों ये कास्टियर एक इंग्लिश अधिकारी थे कास्टियर के द्वारा ये मेला का आयोजन किया जा रहा है और ये सबसे पुराना मेला है झारखंड का ठीक है झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है पाँच पाँच राज्यों को स्पर्श करती है चलिए अगले प्रश्न की ओर झारखंड में एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स किस जिले में दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका देवघर जिला में और ये इनका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है एकमात्र जिला दोस्तों साहेबगंज में गुजरती है साहेबगंज वाले भी ध्यान दीजिएगा इस टाइप से प्रश्न आपका जिला में भी पूछ सकता है ठीक है चलिए झारखंड राज्य में कुल कितने लोकसभा सीट की दोस्तों क्षेत्र है यानी झारखंड में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं तो झारखंड में कुल चौदह लोकसभा सीटें हैं जिनमें आठ जनरल सीटें हैं पाँच एस है का सीट है एक एस का सीट है ठीक है एस सी एस इतना कुल चौदह सीटें हैं लोकसभा का यानी इस क्षेत्र पे झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर दोस्तों कहाँ पर है रामगढ़ जिला में है रामगढ़ जिला में ठीक है चलिए झारखंड दोस्तों बिहार से कब बना था पंद्रह नवंबर दो हजार ईस्वी को पंद्रह नवंबर दो हजार ईस्वी को गोड्डा जिला दोस्तों कब बना था उन्नीस सौ तेरासी में को बना था गोड्डा जिला कब बना था उन्नीस सौ तिरासी को बना और पूर्वी सिंहभूम जिला का एक अभ्यर्थियों को दोस्तों एक सूचना है आप लोग अपने स्तर पर पता लगा लीजिएगा सुनने में आ रहा है एक नोटिस वायरल हो रहा है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का कि आपका एग्जामिनेशन सोलह तारीख को होने जा रहा है क्या है सच्चाई आप लोग जाके समारणालय डीसी ऑफिस में पता कर लीजिएगा और अगर सोलह को वाकई में एग्जाम होगा तो आप जल्द से जल्द हमारे 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को लेकर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर इंफॉमेशन कीजिए एक का पेमेंट लग रहा है कितना का पेमेंट लग रहा है दोस्तों दस मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं एक सौ उनचास रुपया का पेमेंट लगा इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा फोन पे गूगल पे नंबर हमारा यही है व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है और अन्य जिले के अभ्यर्थी देवघर साहेबगंज हजारीबाग दुमका जामताड़ा सराय के खरसावा धनबाद रांची सही समय दोस्तों नौ जिले का भी एग्जामिनेशन बाकी है राज्य में दोस्तों पंद्रह चौबीस जिले हैं पंद्रह जिले का एग्जामिनेशन पूरी तरह संपन्न हो चुका है राज्य में अभी भी नौ जिला बाकी है तो इस नौ जिले के अभ्यर्थी अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए हमारा तो जल्द से जल्द ले ले जल्द से जल्द ले ले समय दोस्तों सिलेक्शन चाहते हैं सरकारी नौकरी चाहते हैं अट्ठाईस हज़ार सैलरी चाहते हैं जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गोड्डा ज़िले में दोस्तों हमारा जो है तीस से पैंतीस सवाल आए हमारे स्टडी मटेरियल से ठीक है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा भाई बंधु दीदी माताएं लोग जो भी तैयारी करें चले क्लास की तो गोड्डा जिला दोस्तों कब बना था उन्नीस को बना था गोड्डा जिला दोस्तों कब बना था उन्नीस को बना था अगर तिथि के साथ अगर दोस्तों पूछा गया होगा तो अगर आप तिथि के साथ एग्जामिनेशन दिए गए हैं तो पच्चीस मई हो जाएगा सॉरी पच्चीस मई पच्चीस मई उन्नीस चलिए गोड्डा जिले में दोस्तों प्रखंड की संख्या कितनी है नौ प्रखंड है गोड्डा जिले में नौ प्रखंड है नौ प्रखंड है नौ प्रखंड है ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर सुंदर बांध गोड्डा के किस प्रखंड में है सुंदर सुंदर बांध दोस्तों जो है तो बोवारी जोर, जोर बोवारी जोर बोवारी जोर प्रखंड में है सुंदर बांध ठीक है प्रखंड लेवल के भी सवाल पूछे गए हैं गोड्डा में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है गोड्डा में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है ये आप लोगों को बताना है चलिए ठीक है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एच एक सौ तो जो भी अभ्यर्थी एक सौ तैतीस मारकर आया सही है संतारपटना में कुल कितने जिले हैं दोस्तों छः जिले हैं दुमका देवघर जामताड़ा पाकुड़ साहेबगंज गोडा छः जिले हैं ठीक है छः जिले हैं संथाल संतारपटना परमंडल इसका मुख्यालय दुमका है मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सा झारखंड का सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा पश्चिमी सिम था दोस्तों वो पूछा गया सबसे छोटा जिला दोस्तों रामगढ़ हो जाएगा देखिए झारखंड जी के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं गोड्डा जिले में दोस्तों कुल कितने स्थानीय सरकारी निकाय हैं तो दो हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा ठीक है दो हो जाएगा वर्तमान में झारखंड का महामहिम राज्यपाल कौन है तो दोस्तों सी पी राधा कृष्ण सॉरी दोस्तों श्री संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा अभी वर्तमान राज्यपाल ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कौन सा प्रखंड गोड्डा जिला में नहीं है दोस्तों सरैया हाट जो है नहीं है ये दुमका जिला में आती है लेकिन हाँ सरैया हाट जो है वो टच करती है बाउंड्री गोड्डा को ठीक है टच करती है बाउंड्री गोड्डा को सरैया ठीक है लेकिन सरैार जो है वो दुमका में आती है चलिए अगले प्रश्न की ओर माँ योगिनी मंदिर गोड्डा के किस प्रखंड में दोस्तों ये हो जाएगा आपका पथरगामा पथरगामा प्रखंड माँ योगिनी मंदिर का ठीक है पथरगामा में गोड्डा जिले में दोस्तों पंचायतों की संख्या कितनी है गोड्डा ज़िले में दोस्तों एक सौ संतानवे पंचायतें हैं एक सौ संतानवे पंचायतें दोस्तों ये भी हमारे स्टडी मटेरियल में प्रश्न पूछा गया था जे एस एल पी एस का दोस्तों पूर्ण रूप पूछा गया है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड कहाँ है लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोटाइट सोसाइटी बासुकीनाथ मंदिर दोस्तों किस जिले में है तो ये हमारा दुमका जिला है ठीक है हमारा दुमका जिला हो जाएगा ठीक है और बासुकीनाथ मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने कराया था बांसकी ताती दुमका वाले एक ध्यान दीजिएगा कि पूछे देगा दुमका जिले में जब एग्जामिनेशन होगा चौकीदार का तो बांसुनाथ मंदिर का स्थापना को निर्माण किया था बांस की ताती बांस की ताती हो जाएगा राइट आंसर ठीक है चलिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है दोस्तों स्मृति मंदाना स्मृति मंदाना संथाल परमंडल का कौन सा जिला नहीं आता देखिए दुमका आता है ग्रीडी जो है नहीं आता है ग्रीडी नहीं आता जामताड़ा और गोड्डा आता है ठीक है परासनाथ पहाड़ किस जिले में है परासनाथ पहाड़ दोस्तों गिरिडीह ज़िला में है और लगभग एक अभ्यर्थी ने जो हमें भेजा था वो कहे कि तीन से चार मेथ भी आए थे तीन से चार मेथ भी आए थे और रीजनिंग का भी दो, दोस्तों दो सवाल आया हुआ था नयन क्षेत्र लक्षु लोचन किस प्रवासी है दोस्तों नयन जो है ये आपका हो जाएगा आँख नेत्र हम लोग सब ये सभी दोस्तों हम लोग आँख से देखते हैं प्रश्न हिंदी में दोस्तों क्या हो जाएगा शब्द व्यक्तिगत ठीक है व्यक्तिगत रोग का सफाई दुर्घटना का हो जाएगा दोस्तों सावधानी चलिए तो दोस्तों मैंने लगभग दोस्तों आप लोगों को लगभग पैंतीस चालीस सवाल करा दिया हूँ पैंतीस चालीस सवाल दोस्तों करा दिया हूँ ये इसी टाइप के सवाल पूछे गए थे गोड्डा जिला में तो उन अभ्यर्थियों को पता होगा जो गोड्डा जिला में एग्जामिनेशन दिए थे कमेंट करके बताइए क्या ये सवाल सही है और दोस्तों दस मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्लास की ओर तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत